एक टॉपिक है, हर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो अपने आप में एक टॉपिक है, जिसमें से कुछ टॉपिक हम लोग इस बीए में पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स अगर आप लोग मास्टर्स करेंगे तो उसमें से पढ़ेंगे। तो इसको ब्रीफ में हम लोग देखेंगे कि फिलॉसफी कैसे बदली ज्योग्राफी की। तो सबसे पहला जो इसमें है पैराडाइम, क्रिटिकल सोशल साइंस का पैराडाइम है। इसका रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली था कि थ्योरेटिकल या स्ट्रक्चरल या इंडिविजुअल्स था, ये थ्योरी बना रहे थे पर किस हिसाब से, संरचना को देख के। जैसे हमको समझना हो कि किसी चीज़ स्त्रियों की कंडीशन के या स्त्रियों के की कंडीशन क्या है, हम सिर्फ स्त्री के कंडीशन को ना समझ के समाज की संरचना को समझे और उसमें उस चीज़ को देखें। उसी तरीके से जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप में हमको समझना है पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे डेवलप करता है, तो किसी खास पॉलिटिकल लीडरशिप को ना देख के पूरे सोसाइटी के पूरे पॉलिटिकल लीडरशिप का जो स्ट्रक्चर है, पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें उसको देखें। ये इसका मेथड्स बेसिकली क्वालिटेटिव था और कैरेक्टरिस्टिक प्लुरलिस्ट था। अब प्लुरलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये हमने शायद किसी क्लास में समझाया होगा आप लोगों को कि जब हम लोग बात करते हैं प्लुरलिस्ट, प्लुरलिस्ट ये मानता है कि कोई एक ही सत्य नहीं है, विभिन्न सत्य के विभिन्न आयाम हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके से देखने के बाद आप चीज़ों को उस नजरिए से देख सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल आपको हाथी की कहानी याद होगी कि अंधों के साथ वाली, कि अगर चार अंधे को हाथी को बताने के लिए कहा गया तो किसी ने उसका टांग पकड़ा, किसी ने उसका सूर पकड़ा, किसी ने उसका पेट पकड़ा, तो जिसने पेट पकड़ा उसने हाथी को वर्णन किया कि वो कैसा है, ढोल जैसा है। जब किसी ने टांग पकड़ा तो उसने कहा खंभे जैसा है, पर किसी ने कान पकड़ा तो कहा कि सूप की तरह है। तो इस तरीके से जब हम लोग देखते थे तो हाथी इन सब में से कुछ भी नहीं था, पर यह भी था कि हाथी इनसे अलग कुछ नहीं था। तो प्लुरलिस्ट व्यू जो है वो यही करता है, देयर इज ए नो सिंगल एंटिटी और सिंगल और यूनिवर्सल ट्रुथ, देयर इज ए नो यूनिवर्सल ट्रुथ, देयर आर मल्टी फैसेट ऑफ ट्रुथ, मतलब सत्य के विभिन्न पक्ष हैं जिसे आप कहाँ से देख रहे हैं इस पे ये डिपेंड करेगा। जैसे 6 और 9 को हम देखते हैं, एक तरफ से आप उसी पॉइंट्स को देखेंगे तो वो 6 दिखेगा और दूसरे तरफ से उस पॉइंट्स को देखेंगे तो 9 दिखेगा। इस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं कि प्लुरलिस्ट व्यू इस चीज़ को कहता था कि एक ही चीज़ को देखने के डिफरेंट तरीके हैं, देर आर नो यूनिवर्सल ट्रुथ, देर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रुथ, देर आर मल्टीपल ट्रुथ, यही प्लुरलिज्म था या प्लुरलिस्ट व्यू होता है। जैसे हम लोग बात करें कि बात करते हैं नारीवाद की, बात करते हैं क्योंकि आगे हम लोगों को नारीवाद फेमिनिज्म में भी जाना है, फेमिनिस्ट ज्योग्राफी में, तो नारीवाद की बात करें। आप सब लोग लड़कियां हैं, ये बताइए क्या आपकी समस्या और अमेरिका की किसी लड़की की समस्या एक होगी? नहीं होगी। आपकी समस्या और किसी गांव में रहने वाली की समस्या एक होगी? नहीं होगी। या यूरोप की महिलाओं की समस्या और अफ्रीका के महिलाओं की समस्या एक होगी? एकदम नहीं होगी। दैट मीन्स डिफरेंट टाइम और स्पेसेस में क्या होता है, ये चीज़ें बदल रही है। टाइम वाइज भी आप अगर देखेंगे आज और आज से 20 साल पहले और आज से 20 साल बाद चीज़ें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। क्या मैं स्क्रीन शेयर हो रहा है ना बेटा? ओके, देन हम लोग जब प्लुरलिस्ट व्यू के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए बात मानेंगे कि एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, सत्य एक ही है पर उसको देखने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग डिफरेंट व्यूज को कंबाइन करेंगे। तो जब क्रिटिकल सोशल साइंस आया, उससे पहले के जो व्यूज थे वो एक नियम बनाने के लिए कहता था कि चलो कैसा नियम बनाएंगे, अगर इंडस्ट्री लगाना है तो ये यहाँ मिलेगा, तो एक प्रकार के नियम बनाने हैं। उसी तरीके से वॉन ट्यूनियन की थ्योरी थी, क्रिस्टॉलर की थ्योरीज थी, ये थ्योरी इसी तरीके की थी। पर अब जब क्रिटिकल सोशल साइंसेज आया तो उसने कहा नहीं, किसी भी चीज़ को देखने का एक व्यू नहीं हो सकता है, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट देख सकता है। हो सकता है वो इंडिया में वो अलग हो, यूरोप में अलग हो, हो सकता है आज के समय अलग हो, 20 साल पहले अलग कंडीशन हो, ये प्लुरलिस्ट व्यू था। इससे क्या हुआ, अप्रोचेज में डाइवर्सिटी आई, बहुत सारे अप्रोचेज आ गए हमारे पास, यही ट्रेंड में लिखा हुआ, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन अप्रोचेज। फिर इसी तरीके से दूसरे में आते हैं रेडिकल, ये भी प्लुरलिस्ट था आप देखिए, और साथ ही साथ रेडिकल था। रेडिकल था कि जो सोसाइटी है उसको चेंज करना था, जो सोशल स्ट्रक्चर था उसको चेंज करना है। सोशल स्ट्रक्चर क्यों चेंज करना है, तो रेडिकल बेसिकली मार्क्सिस्ट व्यू से आता है। मार्क्स ने कहा कि दुनिया में दो तरीके की चीजें हैं, पहला एक वर्ग है जिसको बुर्जगीज कहा उन्होंने, बुर्जुआ, और दूसरा जो एक सर्वहारा है, प्रोलिटेरियन। उन्होंने कहा कि इन दोनों वर्ग में संघर्ष होता है और श्रम सर्वहारा वर्ग करता है और पूंजी बुर्जुआ वर्ग का रहता है, लेकिन लाभ सबसे अधिक बुर्जुआ वर्ग को रहता है।
बुर्जुआ वर्ग को उसने कहा शोषक और प्रोलेटेरियन को उसने कहा शोषित। तो शोषक वर्ग हमेशा शोषित वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है, और इस हिसाब से वो और अमीर हो जाता है और जो मजदूर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, वो और गरीब हो जाता है। उसका मानना था कि सारे अगर सर्वहारा वर्ग एक हो जाए, मजदूर एक हो जाए, तो ये व्यवस्था को पलट देंगे और किसकी राज हो जाएगी, सर्वहारा की तानाशाही हो जाएगी, प्रोलेटेरियन की डिक्टेटरशिप होगी और इस तरीके से समाज बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली इस अप्रोच का जो सोशल साइंस में यूज होता है या ज्योग्राफी में यूज होता है, वो इस व्यू में यूज होता है कि जो समाज का थ्योरेटिकल स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड है उसको कैसे बदला जा सकता है, उसको किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। ये चेंज करना ही जो है रेडिकल है। रेडिकल इस बात पे ध्यान देते हैं कि आपको जिस भी चीज़ को पढ़ना हो, ज्योग्राफी को जब देखना हो, तो आपको सर्वहारा के नज़रिए से देखना चाहिए, प्रोलेटेरियन के नज़रिए से देखना चाहिए, मजदूर गरीब दलित इनके नज़रिए से देखना चाहिए। और आपका मुख्य उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ देखना, आपका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि किस प्रकार इन सब्जेक्ट्स का उपयोग इन स्थितियों को चेंज करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत संक्षिप्त संक्षिप्त में जा रहे हैं, जब इसको अलग अलग में पढ़ेंगे तो डिटेल्स में आएंगे। फिर उसके बाद का जो एक पैराडाइम शिफ्ट आता है वो है फेमिनिस्ट ज्योग्राफी का या फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म बेसिकली ये होता है बेटा कि आप लोग कुछ जानते हैं फेमिनिज्म के बारे में, तो एक दो चीज मुझे बताइए, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है, व्हाट इज फेमिनिज्म, बताओ। कोई नहीं बोलना चाह रहा है, कोई लड़की नहीं बोलेगी फेमिनिज्म क्या, फेमिनिज्म सुना ही नहीं है आप लोगों ने। हेलो, जब कुछ लड़कियों, हेलो सर, हेलो, यस सर, तो जब कोई भी राइट लड़कियों को फेवर करे तो उसको फेमिनिज्म कहते हैं। लाइक कुछ भी हो रहा हो और लड़कियों को फेवर करे तो शायद उसे फेमिनिज्म कहते हैं, शायद, हाँ कहते हैं। सर, अब इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एज वेल एज मेन, यस सर। एक ने कहा कि फेवर करते हैं, चलिए फिर से हम लोग बात करते हैं। एक ने कहा कि अगर कोई भी चीजें हैं जो वुमेन्स या फीमेल राइट्स को फेवर करे तो वो फेमिनिज्म कहलाएगी, और दूसरे ने कहा इक्वल राइट्स को जो करे वो। देखिए, मिसकंसेप्शन है इस चीजों में। बेसिकली फेमिनिज्म इस चीज की वकालत करता है कि फीमेल्स को मेल के इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, पहली चीज, कभी भी जो गलत तरीके से फीमेल को डोमिनेट करने के लिए कहता है वो फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म ओनली एडवोकेट्स दैट फीमेल्स हैव इक्वल राइट्स, ओके, फीमेल्स हैव इक्वल राइट्स टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स, उनके जो मेल काउंटरपार्ट्स हैं उनके लिए फेमिनिज्म को। तो फेमिनिज्म इन्हीं चीजों पर आधारित रहा कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे किया जा सके। अब इक्वल राइट्स जो है वो सिंपल सी नहीं है, फेमिनिज्म के बहुत सारे वेव्स आए। अगर पॉलिटिकल साइंस आप लोगों का होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट वेव में ये लोग सिर्फ इतना बात कर रहे थे हम लोग कि फीमेल्स को जो है बेसिक ह्यूमन जो है वो राइट्स दे दिए जाए, उनको मारा ना जाए, पीटा ना जाए, वो भी इंसान है, उस तरीके से ट्रीट किया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए, गर्भपात कराने का अधिकार दिया जाए, इन चीजों पे हुआ। फिर सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया, उन्होंने कहा कि अब हमको पुरुष के बराबर इक्वलिटी मिलनी चाहिए। फिर थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया जो कहता है कि नहीं, वुमेन्स को कहीं कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी मिलना चाहिए, जिसके आधार पे हम लोग कहते हैं कि जैसे आपको ये हो कि मेट्रो में सीट रिजर्व कर देना, या उसमें क्या कहते हैं बसेज में सीट रिजर्व कर देना, या जो चूंकि वो पिछड़ी हुई है इतने सालों से तो उनके लिए कुछ अच्छे सीट्स रिजर्व करना है, उनको एक्स्ट्रा सुविधाएं देना। ये इसलिए नहीं है कि उनको हित को ये कर, वो इसलिए ये तात्कालिक रूप से है कि वो मेल्स के बराबर आ सके, क्योंकि वो डिप्राइव्ड हैं। जैसे अब कुछ सारे चीज़ों में हो सकते हैं, अगर बायोलॉजिकली देखें तो फीमेल्स को हर महीने पीरियड से गुजरना होता है, तो कुछ स्टेट्स हैं हमारे यहाँ या कुछ देश हैं दुनिया भर में जो इसको भी कंसिडर करते हैं। जैसे आपके यहाँ हमारे बगल में बिहार है, तो बिहार में एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है फीमेल, उनको पर मंथ 2 दिन की छुट्टी मिलती है उनके पीरियड्स के लिए, जो अपने पीरियड्स में छुट्टी ले सकती हैं। इसी हिसाब से बहुत सारे जगह आपने देखा होगा कि पूरे भारत में मैटरनिटी लीव मिलती है, तो क्योंकि वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है तो उनको पुरुषों से अलग कुछ अधिकार इसलिए मिलने चाहिए कि वो उनके इक्वल में आ जाए।
ठीक है, तो फेमिनिज्म बेसिकली इस चीज को की बात करता है कि वुमेन्स को या फीमेल्स को मेल्स के इक्वल अधिकार है, ये नहीं कि वो सुपीरियर है या इंफीरियर है, ओनली इक्वल अधिकार है। अब फेमिनिस्ट जब बात करती हैं तो फेमिनिस्ट इस चीज़ में बहुत तरीके से बात करती है। जैसे एज एन एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि शुरुआत से कैसे था, तो हो सकता है शुरुआत की कबीले वाली जो सोसाइटीज़ थी उस समय ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं होती थी। धीरे धीरे जब कबीले बढ़े तो मैक्सिमम कबीले फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटीज ही थी, क्योंकि फीमेल्स का किस चीज़ पे अधिकार था, उनकी सेक्सुअलिटी पे अधिकार था और प्रोडक्शन पे अधिकार था, क्योंकि बच्चे वही पैदा कर सकती थी, खेती वही करती थी और वही तय कर सकती थी कि कौन किसके साथ मतलब सहवास करेगा। तो इस तरीके से फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी, पुरुष बस शिकार करते थे या सुरक्षा करते थे। धीरे धीरे जब परिवार का कॉन्सेप्ट आया तो क्या हुआ कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज होने लगी, क्योंकि एक स्त्री एक ही पुरुष के साथ रहती थी। फिर जब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने लगी तो फिर उसके कुछ अधिकार दबाए जाने लगे, फिर उन अधिकारों को ज़्यादा दबाया गया, इस तरीके से फीमेल डिप्राइव्ड हुई। फिर वो एक दूसरा क्रम शुरू हुआ जिसमें फीमेल्स की मुद्दों पे लोग बात करने लगे, प्लुरलिस्ट व्यू से फीमेल को देखने लगे। जब कोई ट्रेडिशन है कि उसको अगर हम देखते हैं कि मेल के हिसाब से अच्छा है, फीमेल्स के हिसाब से देखते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, फिर डिफरेंट तरीके की जो संस्कृतियाँ थी उसमें क्या अलग अलग थी। तो फेमिनिस्ट अप्रोच जब ज्योग्राफी में हम लोग बात करते हैं तो फेमिनिस्ट अप्रोच ये कहा कि फीमेल की समस्याएं जो हैं वो भी स्थान के सापेक्ष हैं और प्लुरल है। स्थान के सापेक्ष मतलब हमने कहा था अभी सबसे पहले क्रिटिकल सोशल साइंस में बात करते हुए कि यूएस की महिलाओं की समस्या अलग होगी, अफ्रीका की अलग होगी। जैसे एक ब्लैक फेमिनिज्म का दौर आया, उसने कहा कि गोरा होना ही स्त्री की सुंदरता नहीं है, अफ्रीका में तो काला ही सुंदरता का पैमाना है। उस हिसाब से जो जहाँ पे महिलाएं भूख से मर रही है तो उनके लिए भूख ज़्यादा बड़ी समस्या है, ना कि समानता और वोट, ये क्या कहते समानता और दूसरे आपके कपड़े पहनने के अधिकार की बात करना। तो इस तरीके से फेमिनिज्म में जब ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं तो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, किस स्पेस में, किस कल्चरल सोशल और ज्योग्राफिकल स्पेस में उनको क्या अधिकार थे, क्यों डिप्राइव्ड हुए और कैसे उनको ऊपर उठाया जा सकता है। ये भी बेसिकली थ्योरेटिकल और स्ट्रक्चरल बात करता है। थ्योरेटिकल इसलिए कि थ्योरीज है और स्ट्रक्चरल इसलिए कि स्ट्रक्चर के भीतर महिलाओं की कंडीशन क्या है, क्वालिटेटिव अप्रोच है और प्लुरलिस्ट व्यू है। प्लुरलिस्ट व्यू का मतलब आपने वो समझ चुके हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव होगा सारे फेमिनिज्म का या सारे फेमिनिस्ट का। अगर हम फेमिनिस्ट हैं मेरा अलग हो सकता है, कोई दूसरी लड़की है तो उसका अलग हो सकता है, कोई तीसरा है तो उसका अलग हो सकता है। और फेमिनिस्ट जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिला हो, कोई पुरुष भी हो सकता है जो यह बात माने कि मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स है। उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि हर फीमेल जो है वो फेमिनिस्ट हो, क्योंकि अगर वो ये बात नहीं मानेगी कि मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स है तो वो फेमिनिस्ट नहीं होगी। हो सकता है वो ये भी माने कि फीमेल ज़्यादा सुपीरियर है तब भी वो फेमिनिस्ट नहीं है, और ये भी माने कि फीमेल कम इन्फीरियर है तब भी वो फेमिनिस्ट नहीं है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट ज्योग्राफी में जब आया तो हम लोग स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखे कि कैसे कैसे फीमेल किस जगह डिप्राइव्ड हुई हैं और कैसे उनकी स्थिति में सुधार किया जाए, उनकी क्या समस्याएं हैं। उसके बाद फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोचेज आए, जो बेसिकली एक फिलोसफिकल अप्रोच है जिसमें यूनिक और इंडिविजुअल एंटिटी पर जोर दिया गया क्वालिटेटिव का, और ये लोकल लेवल पर बात करता था। फेनोमेनोलॉजिकल इस चीज़ पर बात करता है कि आप जो हैं आपको समझने के लिए आपके सारे परिदृश्य या सारे जो आपकी परिस्थितियाँ हों उसको ब्रैकेटाइजेशन करना होगा, क्योंकि इन घटनाओं से ही आप बने हैं। जैसे हम लोग किसी लड़की को मान लेते हैं, मिलीसा जैसे हमारी एक स्टूडेंट है, तो मिलीसा जो आज है वो कैसे है, उस पर उसके फैमिली का असर है, उसके कल्चर का असर है, उसके पढ़ाई लिखाई, माता पिता, तो सारे उनके इकनॉमी, उनके परिवार की कैसी है, इन सब का असर है। तो इकनॉमी, कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें मिल के आपको बनाती है। तो एज ए सिंपल सा लोकल लेवल मिलीसा को समझने के लिए हमको इन सारी परिस्थितियों को ब्रैकेट में रखना होगा, बाहर करना होगा, बाहर मतलब वो रहें भी और ना भी रहें। ठीक है, कि हम देखें कि इन परिस्थितियां हैं इसलिए है, अगर ये नहीं होती तो कैसा होता। और फिर जब हम इस क्वालिटेटिव वर्क को करेंगे तो यूनिक या इंडिविजुअल्स के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल एक्चुअल में क्या है, इन परिस्थितियों के बीच में कैसा है और उसके अलावा एक्चुअल में कैसा है। तो फिर ये लोकल लेवल पे, तो जो ज्योग्राफी में बात करते हैं तो हर रीजन्स में जो चीज़ें डेवलप होती हैं, कल्चरल लैंडस्केप हो या आपकी कल्चर हो या आपकी इकनॉमी हो, इसको हमको सारे परिदृश्यों के साथ समझना होता है कि वहाँ की और जो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड्स हैं, कल्चरल बैकग्राउंड हैं या इकनॉमिक बैकग्राउंड है, उनके साथ ये कैसा है, और अगर अलग से इसको यूनिक और इंडिविजुअल रूप में देखें तो कैसा है। इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लोकल है।
ये लोकल लेवल तक उतर के देखता है। और सबसे लास्ट अप्रोच जो है ये बहुत डिटेल्स अप्रोच है, पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट कॉलोनियल और सबल्टर्न स्टडीज। तो पोस्ट मॉडर्न हम लोग कभी एक पूरी क्लास लेंगे पोस्ट मॉडर्न स्टडीज पे या पोस्ट मॉडर्न पे। संक्षेप में समझते हैं इसको आज कि पोस्ट मॉडर्न, और उसके बाद इसको डिस्कशन के लिए हम लोग खोल देंगे कि आप लोग को, क्योंकि ये बहुत सिंपल ब्रीफ में हमने किया है इसीलिए आपको इसमें डिस्कशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच बेसिकली इस चीज़ पे बात करता है कि देयर इज ए नो यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी सार्वत्रिक सत्य नहीं है, कोई भी ऐसा सत्य नहीं है कि जो कि स्थान और काल और परिस्थितियों से मुक्त हो। हम लोग कहते हैं ना कि देश काल और परिस्थिति में सब कुछ है, पोस्ट मॉडर्निज्म भी वही करता है। बेसिकली मॉडर्निज्म क्या था, मॉडर्निज्म था कि आपको जब यूरोप में रेनेसा हुआ अंधे युग के बाद, तो उसके बाद एक चीज आया कि जो तार्किक रूप से सोचे, साइंटिफिक टेम्पर रखे और आगे देखे, फॉरवर्ड लुकिंग हो, वो मॉडर्न है। तो इस हिसाब से यूरोप आगे बढ़ा और यूरोप जो सोचता था वो पूरी दुनिया मानने लगी कि ये मॉडर्न है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें बिगड़ने लगी। जैसे अगर यूरोप के लोग कोट पैंट टाई पहनते थे कि ये सभ्य होने का पैमाना था, तो भारत जैसे गर्म देश और अफ्रीका जैसे महादेश के लोगों को भी वो पहनने लगे। हम ही लोग देखो, हमारे यहाँ अच्छे एम्प्लॉइज जो हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो भारत जैसे जहाँ 40 डिग्री 42 डिग्री गर्मी होती है, उस गर्मी में भी पैंट सूट टाई पहनते हैं। इसका कोई मतलब नहीं था यहाँ पर, पोस्ट मॉडर्निज्म वो लेके आया हमारे पास, हम लोग मानने लगे। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न कहता है नहीं, ये सार्वत्रिक सत्य नहीं है कि यूरोप जो कहता है वही आप माने, आपका सत्य जो है वो आपके देश और काल और परिस्थिति के अनुसार तय होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से पोस्ट कॉलोनियल था। कॉलोनियल क्या था कि जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो कॉलोनीज बनाई उन लोगों ने, उस हिसाब से अपने कल्चरल को देख, कल्चरल चीज़ों को स्पीक किया, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ही हम लोगों को उसने खेपा। और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज इस चीज़ को देखता है कि नहीं, कॉलोनीज के रूप में जो चीज़ें हमें दी गई थी वो आज के दौर में उपयोगी हैं नहीं हैं, या वो सही थी गलत थी, उसको पोस्ट कॉलोनी के बाद के दौर में हम लोग देखते हैं। उसी तरीके से सबल्टर्न है जो कहता है कि जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम हिस्ट्री या मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स या मेन स्ट्रीम ज्योग्राफी होता है, वो जो दबे पिछड़े कुचले वाले लोगों का होता है, उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई नहीं करता, उनके बारे में नहीं सोचता है, आपको दलितों के हिसाब से, स्त्रियों के हिसाब से, कमजोरों के हिसाब से देखना होगा चीज़ों को। ये सबल्टर्न स्टडीज कराता है। ये थ्योरेटिकल था और एम्पेरिकल था, मतलब डेटा कलेक्ट करके करते थे, ये भी क्वालिटेटिव था, और ये ग्लोबल एंड लोकल दोनों पर्सपेक्टिव को लाया कि दुनिया भर में क्या हुआ और लोकल लेवल पे क्या हुआ। प्लुरलिस्ट था, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न है तो प्लुरलिस्ट होना ही होना है। तो पोस्ट मॉडर्न को हम लोग एक अलग क्लासेज में फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मॉडर्न, प्री मॉडर्न, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न को जब हम लोग देखते हैं तो आप देखिए कि फिलॉसफीज कैसे बदली हमारी। ये रिचर्ड पीट की मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट से ली गई है कि प्री मॉडर्न में लोग रिलीजन, टेलियोलॉजी, उद्देश्य, इन सब चीज़ों को मानते थे, मॉडर्न में आ गए तो एग्जिस्टेंशियलिज्म, पॉजिटिविज्म, ट्रुथ को मानने लगे, और पोस्ट मॉडर्निज्म में आ गए तो क्या मानने लगे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ग्राउंडलेसनेस, की कोई ग्राउंड नहीं है जिस पे कि कोई सत्य है, हर चीज़ें अपने अपने हिसाब से सत्य हो सकती हैं। आंचल के लिए कोई सत्य अलग हो सकता है, मिलीसा के लिए कोई सत्य अलग हो सकता है, और दर्शन के लिए कोई सत्य अलग हो सकता है। इसको हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। और अब हम लोग आते हैं कि हमारी जो डिसिप्लिन्स थी वो 1915 से, ये रिचर्ड पीट की 1998 मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट से ली गई है, किस तरीके से डिफरेंट डिसिप्लिन्स में बनी। और ये जो डायग्राम है ये आप निश्चित बनाइए, इससे ये पता लगता है कि आपको पूरा का पूरा ये पता है कि पैराडाइम शिफ्ट्स और जो ब्रांचेस हैं स्कूल्स ऑफ मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफिकल थॉट कैसे सेव किया है। तो आप देखिए, शुरुआत में जो है 1850s कैसा भूगोल एक था जो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव था, फिर उस डिस्क्रिप्शन में रीजनल ज्योग्राफी के साथ साथ एक थ्योरेटिकल पार्ट आया जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 90s के करीब, तो कल्चरल ज्योग्राफी का बर्कले स्कूल शुरू हुआ कि मैन ह्यूमन इंट्रैक्शन की बात ये करने लगा कि जब मैन जो है नेचर, मैन और नेचर इंट्रैक्शन की बात, मैन जब नेचर के साथ इंट्रैक्ट करता है कल्चरल लैंडस्केप बनाता है। फिर इन तीनों के साथ जब थोड़ा सा और भागे तो 1950 के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी 60-70 के दशक में देखिए शुरू हो जाता है, रीजनल ज्योग्राफी शुरू हो जाता है, रीजनल साइंस शुरू हो जाता है, क्वांटिटेटिव स्पेशियल ज्योग्राफी शुरू हो जाता है, रेडिकल या मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी शुरू हो जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल लोकेशन, फेमिनिस्ट ज्योग्राफी, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी एंड सो ऑन, इसमें बहुत सारे हैं। देखिए सब जो है 70-80 के बाद शुरू हो रहे हैं,
80s के बाद ही करीब करीब ये लोग सेव कर रहे हैं, अगर पहले मान ले तो 70s से मान सकते हैं। तो आप देखिए 1815 से 1950 तक ज्योग्राफी एक स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था, एक ही दो ब्रांचेस थे उनके, और उसके बाद ये कितने डिटेल्स में ये हो रहा है, पैराडाइम इसका शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी एज ए सिंथेसाइजिंग साइंस, और फिर हम लोग जब ज्योग्राफी एज ए सिंथेसाइजिंग साइंस और ज्योग्राफी एज ए सोशल साइंस कर लेंगे तो फिर हम लोग एक क्लास में एक्स्ट्रा में पोस्ट मॉडर्निज्म को देखेंगे और हम लोग बात करेंगे। तो अब मैं इस क्लास को ओपन कर रहा हूँ आपके डिस्कशन के लिए, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।